आज महारानी अवंती बाई का बलिदान दिवस है। यहाँ पर लोधी समाज द्वारा उनके लिए कार्यक्रम रखा गया। उनका कहना यह है कि महारानी अवंती बाई ने इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है और ये किसी एक जाति की निबंधी हुई नहीं है। कार्यक्रम तो सिर्फ इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि वो इस जाति में पैदा हुए हैं और यहाँ पर समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं राकेश जैन रायसेन। आज हमारे महारानी अवंती बाई बलिदान दिवस मनाने के लिए सभा में इकट्ठा हुए हैं और ये सारे पूरे विश्व में रानी अवंती बाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है जोर शोर से और हम सब उनको सुमन अर्पित के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा लोधी, लोधी महासभा संगठन महामंत्री हूँ। भारत वर्ष में ही नहीं अब तो पूरे विश्व में वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी का, जो कि 1857 की प्रथम क्रांतिकारी योद्धा थी, इनका बलिदान दिवस पूरे देश में एक साथ जो है जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम दशहरा मैदान खेल स्टेडियम के पास अवंती बाई परिसर में सभी एकत्रित हुए हैं, पूरे समाज बंधु, और एक साथ मिलकर वीरांगना रानी की शहादत को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भव्य कार्यक्रम बना रहे। आज रानी अवंती बाई का बलिदान दिवस है। 20 मार्च 1858 को उनका बलिदान हुआ था अंग्रेजों से लड़ते हुए, उन्होंने शहादत दी थी। 16 अगस्त 1835 को उनका जन्म हुआ। चूँकि आचार संहिता लगी है, इसलिए आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए लघु रूप में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं, वरना काफ़ी विशाल कार्यक्रम ये मनाया जाता है। इसी साल ही हमारी लोधी समाज की बहुत वर्षों से पुरानी मांग थी कि यहाँ पर रानी अवंती बाई की मूर्ति लगना चाहिए, जो अभी कुछ महीने पहले लगी है विधानसभा चुनाव से पहले। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि हमारे समाज की, क्योंकि शहीद जो होते हैं, वीरांगना जो होती हैं, लड़ने वाले देश के लिए, किसी समाज के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। लेकिन हम ये गौरव कर सकते हैं कि हम उनकी जाति के अंदर पैदा हुए, ये हमारा गर्व और गौरव का विषय है।